हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी शाम का समय, शाम के 6:30 बजे का टाइम है। अंधेरा होने वाला, अंधेरा हुआ नहीं है। तो पीयूष लक्की अपना खेलने में बिजी है, मैं अपना किचन के काम में लग गई हूँ। शाम का काम ऐसे ही मेरा शुरू होता है, मैंने बहुत बार आपको बताया है। मतलब कि शाम होते होते जैसे खाने पीने का तैयारी में मैं लग जाती हूँ। तो आजकल तो ज़्यादातर रोज़ आम का जूस बनता है, सबसे पहला काम यही करती हूँ, क्योंकि इसको बना के फ्रिज में रखना होता है। कभी कभार होता है जो नहीं बनता है, जैसे आम खा लेते हैं, पर ज़्यादातर आम का जूस ही बनता है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आम का जूस पसंद है। वैसे तो सबको पसंद आता है, पर मुझे आम से ज़्यादा आम का जूस पसंद आता है, क्योंकि फिर खाना खाने में सब्ज़ी का देखना नहीं पड़ता कि क्या चीज़ का सब्ज़ी बने, अच्छा बने या फिर ख़राब बने। आम का जूस मिल जाए तो बस सबको मन खुश होकर खा लेते हैं। वैसे तो ज़्यादातर सबके यहाँ बनता है इस समय, पर मेरे यहाँ मतलब कि गांव में, राजस्थान साइड में, ज़्यादातर आम का जूस बनता है हर घर में। मतलब कि रात के समय बनता है, रोटी के साथ सब कोई खाता है। ज़्यादातर देखती हूँ मैं वीडियो में कि दिन में जब पीने का मन होता तब बना लेते हैं। मैं जब भी बनाती हूँ ज़्यादा करके बनाती हूँ, क्या है कि जैसे अभी बना के रख दूँगी तो फिर उस लड़के का मन होगा तभी भी पी लेंगे, मेरा भी मन होता तो मैं पी लेती हूँ, और फिर रात में अपना खाना के साथ पी लेंगे। दूध भी कोई नहीं पीता, फिर दूध की जगह भी यही सब कोई पी लेते हैं। इस समय आम का सीज़न भी अच्छा आया, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आम आया है, क्योंकि बरसात आंधी पानी आता है तो आम कम आता है, कच्चा आम झड़ जाता है। तो इस बार तो अभी तक तो इतना तेज़ आंधी पानी आया नहीं है, बीच में एक बार पहले आया था, अब तो बहुत दिन हो गया अभी आया नहीं है। तो इस बार आम खूब सारा आया हुआ है, सस्ता भी है मेरे ख्याल से, मेरे यहाँ तो ठीक ठाक है। अच्छा आम आ भी जाता है इस समय, अच्छा आम भी आता है। आज जो मैंने आम का जूस बनाया बहुत अच्छा आम, मतलब मीठा एकदम से, देखने में भी अच्छा है, खाने में भी बहुत टेस्टी था। और ये दूध भी मैंने पहले ही फ्रिज में रख दिया था, तो इसको भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि इसमें मलाई है तो मलाई अलग कर दूंगी, दूध डाल दूंगी, फिर मिक्स कर दूंगी। अब बहुत ऐसे होते हैं जो साथ में पीस भी लेते हैं, जैसे आम के साथ में दूध डाल के पीस लेते हैं। अब बहुत ऐसे जो दूध डालते भी नहीं हैं, पर मेरे यहाँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से ऐसे ही देखा, मेरी मम्मी हमेशा से बनाती थी। ये बनाना मुश्किल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने बाहर में पंखा लगा के रखा हुआ है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, पर जब आम का जूस बनाती हूँ तो पंखा बाहर में लगा लेती हूँ, आराम से अपना बनाते रहती हूँ, या फिर फ़ोन चालू कर लेती हूँ। अभी तो वीडियो बन रहा है तो फ़ोन मेरा चालू नहीं, तो फ़ोन चालू करके मतलब कि कभी किसी की वीडियो देख लेती हूँ या फिर किसी से बात कर लेती हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता, अच्छा लगता है। ज़्यादातर केवल रोटी बनाते उसी समय ज़्यादा गर्मी का महसूस होता है, क्योंकि उस समय चूल्हा नहीं चालू होता है, रोटी बनाते समय पंखा नहीं चालू कर सकते, इसलिए नहीं तो गर्मी तो बहुत तेज़ है, पंखा भी गर्म हवा दे रहा है, पर वही थोड़ा बहुत तो राहत मिलता ही है। आम का जूस बना के मैं फ्रिज में रख दूंगी, उससे पहले क्या कि फ्रिज पूरा भरा हुआ, पहले उसको खाली करना पड़ेगा, रखने का जगह करूँगी, उसके बाद पहले सब्ज़ी भी काट लूँगी। सब्ज़ी मैंने बाहर निकाल लिया है यहाँ बैठ के, आम का जूस इसमें रखे। अब पीयूष लक्की का अंदर मस्ती भी चल रहा है, पढ़ाई करने के लिए बोला है मैंने तो पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, क्या कि आज ये संडे का वीडियो है मेरा, तो इसका रुचि दीदी आई नहीं है, नहीं तो इस समय आ जाते तो ये पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। अभी अंधेरा भी होने वाला है, तो पूजा भी शाम का हुआ नहीं, अभी होगा। मैं अपना पानी का बोतल निकाल के ले आई हूँ, क्योंकि यहाँ बैठ के पानी भी पीऊँगी, काम करते हैं तो थोड़ा सा इस समय तो बहुत ज़्यादा प्यास भी लगता है, पानी के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब पानी पीते जाओ, आंगन बरामदा भी मैंने सामने धोया तो अभी बरामदा में भी पानी सूखा नहीं है, क्योंकि मैंने पोछा नहीं था, ऐसे ही पानी डाल दिया था, कि पोछने से जल्दी सूख जाता है, ये अपने आप सूख जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट बाद अपने से सूख जाएगा। इधर वाला पोछ दिया सूख भी जाता है, उधर का मतलब कि थोड़ा सा टाइम लगता है, एक जगह इकट्ठा रहता है पानी, वहीं वाला नहीं सूखा है, दिखाई भी दे रहा है इधर से। इसके बाद मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, आलू गोभी का सब्ज़ी बनाऊँगी, पर इस सीज़न का गोभी अच्छा आता है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ले आए हैं तो इसको बनाना ज़रूरी है। हालांकि देखने में ठीक है, कोई ख़राब नहीं, ना तो इसमें पिल्लू जैसे आता है वो नहीं, कीड़ा कुछ नहीं है, देखने में अच्छा लग रहा है, पर खाने में कैसा लगेगा वो पता नहीं है, क्योंकि इस सीज़न का मतलब बिना सीज़न का कोई भी सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है। पर बना के एक बार देखती हूँ कि बच्चे खा लेते हैं, आलू गोभी का सब्ज़ी बच्चे खा लेते हैं, जब ज़्यादा आता है तब तो नहीं खाते, पर अब बोल रहे हैं कि मम्मी खा लेंगे, इसलिए मैं बना भी रही हूँ, नहीं तो मैं इसका सब्ज़ी सुबह ही बनाती, पर बच्चों का मन था इसलिए मैं अभी बना दूँगी। अभी पीयूष पूजा कर रहा है, तो मैं पीयूष को भी आपको दिखा देती हूँ, लड़की पढ़ाई कर रहा है, पीयूष पूजा कर रहा है, हालांकि दोनों पढ़ने के लिए बैठेगा, पहले पीयूष पूजा कर देगा उसके बाद दोनों पढ़ाई करेगा। आज संडे के दिन आज दोनों एक क्लास करने के लिए गया था, संस्कृत का जो क्लास होता है, मतलब कि यही अच्छी बातें सिखाते हैं, इसीलिए संडे की संडे होता है, तो मैंने बोला दोनों चले जाओ, क्योंकि छुट्टियाँ भी शुरू हो गया है, फिर संडे में तो ऐसे भी छुट्टी रहता है, शाम में जाता है 1-1.5 घंटा में आ भी जाता है, किसी को साथ जाने का जरूरी नहीं, क्योंकि अपने मतलब कि 3-4 मिल के जाते हैं, सब बच्चों के साथ जाते तो मन भी लगा रहता है, तो मैंने भी दोनों को फिर भेज दिया, उसका भी टास्क मिला हो तो वो भी तैयारी करेंगे, मैं ही करवाऊँगी उसको तो बैठ के, क्योंकि इनको उतना आता नहीं है। संस्कृत का भी उसका क्लास अभी शुरू हुआ, 6 क्लास है, लड़के का शुरू भी नहीं है, तो इसको आता नहीं है, तो मैं पहले अपना काम कर लूँगी, उसके बाद थोड़ी देर बैठूँगी, पास में जो पूछना रहेगा बताना रहेगा वो बता दूँगी, मेरा काम पहले ख़त्म करूँगी, उसके बाद उनको मैंने बोल दिया कि तुम अपना जो अपना ज़रूरत का वो अपना बना लो, फिर मैं बता दूँगी।
सबसे पहला काम मैंने आटा लगा के रख दिया, उसके बाद मैं सब्जी छोकने में लगूंगी, क्योंकि सब्जी जितना देर में मेरा बनेगा आटा, मतलब कि वैसे तो रोटी बहुत ज़्यादा लेट से बनाती हूँ, अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, मैंने दिखाया पीयूष अभी पूजा करा था, 7:45 में पूजा करा था, तभी 7:15 का टाइम हुआ, ज़्यादा लेट हुआ। मैं अपना खाने का तैयारी करके छोड़ देती हूँ, उसके बाद अपना काम में लगती हूँ, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास बैठ जाऊँगी, फिर अपना भी वीडियो का काम रहता वो भी कर लेती हूँ। गर्मी में जैसे लगता है कि अपना जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा है, रोटी बनाने का काम केवल छोड़ देती हूँ, वो बाद में करती हूँ, और सब काम करके अपना कंप्लीट करके छोड़ देती हूँ। पहले सब्जी में छौंक लगा दूंगी, सब्जी बनेगा उतना देर में अपना एक्स्ट्रा का काम जो रहता है वो अपना कर लूँगी। हालांकि आज मैंने शाम से वीडियो शुरू किया है, सुबह से नहीं किया था, क्योंकि सुबह मेरा अचार का काम था, अचार का आम आया था तो उसी का काम लगी हुई थी, उसी में उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी, खट्टा मीठा अचार अलग से डालूँगी साल भर के लिए, तो उसका काट मतलब कि आज आधा काम कर लिया, आधा कल करूँगी, तो क्योंकि मीठा अचार में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दूसरे दिन जिस दिन मतलब हल्दी नमक लगाते हैं पानी छोड़ने के बाद तुरंत बना भी सकते हैं उसको, फिर शाम में बना लो या फिर दूसरा दिन, पर खट्टा अचार में धूप दिखाना पड़ता है 2-3 दिन के लिए, तो उसके बाद ही बनता है। यहाँ प्याज मेरा लाल हो चुका है, लहसुन मैंने नहीं डाला, हरी मिर्ची और प्याज काट के मैंने डाल दिया, साधारण सा सब्जी बनाऊँगी, कुछ मतलब कि ज़्यादा नहीं डालूँगी, मसाला पीस के भी नहीं डालूँगी, क्या इस समय साधारण सा सब्जी अच्छा लगता है, मसाला पीस के खाने का तो मन भी नहीं करता, कोई कोई सब्जी जो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उसी में डालना ज़रूरी हो जाता है, वो भी कम करके डालती हूँ। यहाँ हल्का हल्का हल्दी नमक मिर्ची सॉरी नमक नहीं डाला, धनिया पाउडर डाला मैंने, जीरा पाउडर भी नहीं डाला है, वो लास्ट में डाल दूंगी, क्योंकि जीरा पाउडर का टेस्ट तभी आता है लास्ट में डालती हूँ, कभी कभार पहले डाल देती हूँ पर लास्ट में अच्छा लगता है। नमक डाल दिया कि एक टमाटर पक जाएगा, टमाटर तो ऐसे भी पक जाएगा, आलू गोभी भी तुरंत डाल दूंगी साथ में तो उसके साथ भी पक जाएगा, अलग से नहीं पकाने का जरूरी है। अब फिर ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी तो सब्जी अपना बनते रहेगा, मैं अपना दूसरा काम करते रहूँगी। ये शाम वाला बर्तन है तो अभी लगा के छोड़ दूंगी, सूख भी चुका है, वैसे तो तुरंत सूख भी जाता है, बाहर में रखा होता अभी मैं अंदर में लेके आई हूँ, बाहर में चौकी जो रखा उसी पे रख देती है दीदी साफ करके, तभी मैं अंदर लेके आई हूँ, वही यही काम रहता है। शाम के समय ज़्यादा काम नहीं रहता मेरे ख्याल से, दिन में तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, जैसे कपड़ा धोने का भी रहता है, झाड़ू पोछा का भी रहता है, तो शाम में ये सब काम नहीं रहता, शाम में केवल खाना बनाने का काम किचन का ही काम रहता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ज़्यादा रहता है, अब वो भी करना भारी लगता है इसलिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहता है इसलिए, हाँ यही ठंड के मौसम में अच्छा लगता है, वही काम अंदर अंदर करते रहो, दिन से ज़्यादा शाम में रोटी बनाना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि शाम में मुझे ज़्यादा गर्मी लगता है। अभी तो ये है रोटी कपड़ा चेंज नहीं किया, नहीं तो मैं कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं एक्सरसाइज भी 2-3 दिन से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्मी रहता है, एक्सरसाइज करती हूँ तो मतलब कि मतलब उल्टी जैसा लगता है, गर्मी के अंदर पंखा बंद करके करते तो और ज़्यादा खराब, वैसे तो पंखा चालू करके करती हूँ, बंद करके नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, पर यही है 3-4 दिन से मैंने बंद 3-4 दिन से नहीं, हफ्ता भर हो गया मैंने बंद कर दिया, जब मौसम ठीक होगा तभी दोबारा से रुक रही, हाँ ये है जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे अपने आप में अच्छा लगता है, जैसे कितना हो पैर में दर्द अपने आप होना छोड़ देती हूँ तो अपने आप पैर में दर्द हो जाता है, और जब करते रहते हैं तो अपने आप में अच्छा भी लगता है, कहीं दर्द होना ये सब कुछ नहीं होता है। We'll be right back.
इसके बाद सब्ज़ी मेरा बन चुका है, मैंने केवल आपको दिखाया नहीं, ये बंद करके मैं आ गई हूँ, क्या कि इधर आके बैठ जाती तो मैं भूल जाती हूँ, इसलिए पूरा सब्ज़ी बन गया उसके बाद ही मैं इधर आई हूँ। अब थोड़ी देर पर इनके पास बैठ जाऊँगी, इनको बताना जो रहता है वो कर दूँगी। हालाँकि पीयूष से ज़्यादा लकी का रहता है, पीयूष अपने से अपना कर लेता है, उसको उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता है, इसको रहता भी है। जैसे जो दिन भर में करता है वो दिखाने का भी रहता है कि मम्मी देखो मैंने क्या बनाया है, वही ये सुबह से बैठ के बना रहा था। क्या स्कूल का भी मिलता है, फिर घर का भी रहता है, रुचि दीदी इसका जो आती है उसका भी, आज तो संडे था तो आज तो नहीं आई है, थोड़ी देर के लिए सुबह कर लेता है, थोड़ी देर के लिए फिर शाम में बैठ जाता है। मेरा ये रहता है जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं शाम के समय पास में आके बैठ जाती हूँ, जो पूछता तो बता देती हूँ, नहीं तो पूरा दिन तो ऐसे ही काम में निकल जाता, पता भी नहीं चलता है। शाम का समय ऐसा है, अब वो भी ये है कि आज संडे था मेरा काम खत्म हो गया इसीलिए, नहीं तो ये नहीं रोज़ मैं इसको लेकर बैठती हूँ, ये अपना पढ़ने के लिए बैठता है तो कुछ पूछना रहता तो मैं काम करते रहती हूँ, उसमें भी ये दोनों पूछ लेता है, ज़्यादातर लकी पूछता है, पीयूष कम पूछता है, लकी का ज़्यादा रहता भी है। नहीं तो दोपहर में मैं फ्री रहती हूँ तो थोड़ी देर के लिए तब बता देती हूँ, पूछता तब बता देती हूँ, ऐसा नहीं है। पर यह है घंटा एक घंटा के लिए बैठ जाओ लेके वो नहीं होता है, क्योंकि घर का भी रहता है, फिर अपना वीडियो का भी काम रहता है तो उसी में पूरा बिजी रहते हैं। इनका थोड़ी देर पढ़ा दूंगी, उसके बाद अपना फिर से रोटी बनाने में ये सब करने में लग जाऊंगी, क्या कि वीडियो का भी काम करना, उसके बीच में कभी पहले कर लेती हूँ कभी बाद में करती हूँ। तो रोटी बनाने के लिए 9 बजे मैं रोटी बनाने के लिए लगती हूँ, क्योंकि उसके पापा 9:30 बजे आते हैं, तो 9:30 बजते बजते मतलब सब काम फ्री हो जाता है, रोटी बना देती हूँ, मतलब किचन का क्लीन करना ये सब काम कर देती हूँ, उसके बाद केवल खाने का काम बाद में करती हूँ। लास्ट में सब काम होने के बाद खाना खाने बैठो तो अच्छा भी लगता है, क्या कि सब काम जैसे किचन का सफाई करना ये सब करके छोड़ देती हूँ, उसके बाद खाना खाने के बाद नहाने धोने का काम रहता है, कि लास्ट में खाना होने के बाद बिस्तर लगाती हूँ तो उसके बाद नहाने धोने सब कोई करते हैं, पीयूष लक्की पीयूष के पापा भी पहले खाना खा लेंगे उसके बाद, अभी मेरा रोटी बन जाएगा तो पीयूष लक्की भी अभी पढ़ाई नहीं कर रहा, वो भी अपना दादी जी के यहाँ चला गया, उनका रहता है 1 घंटा के लिए, शाम के समय दादाजी के पास जाता है, खेलता कूदता हंसी मजाक करता है, वहाँ दोनों का मन लगा रहता है, नहीं जाता तो मैं बोल भी देती हूँ, क्या कि हमेशा से पीयूष लक्की वहीं रहा है तो नहीं जाता तो दादा दादी को भी इनको बुरा लग जाता है, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है पीयूष लक्की नहीं जाते तो उनका मन नहीं लगता, फिर वो मुझे बोलते हैं कि पीयूष लक्की आ जाए नहीं बड़ा हो रहा है, अच्छा भी नहीं लगता, सही बात है, उनका भी मन कैसे लगेगा, हमेशा से वहीं रहता है। बच्चा में तो और ज़्यादा वहीं रहता था, मेरे पास बहुत कम रहता था, जब छोटा पीयूष 3-4 महीने का दोनों था उसी समय से वहीं रहता है, तो अब तो फिर भी मतलब सुबह या तो थोड़ी देर शाम में जाता है या फिर दिन में चला जाता है, क्योंकि बच्चों का खेलने में भी रहता है पढ़ाई में भी बिजी हो गया है, फिर थोड़ा रहता है कि बाहर खेलने का, टीवी तो फिर भी मेरा अभी तक नहीं चला है क्योंकि ठीक नहीं हुआ है, रोटी मैंने बना दिया है तो पीयूष लक्की यही काम पीयूष लक्की कर देता है जो आप देख भी रहे हैं, क्योंकि मैंने बनाना खाना बना के सॉरी रख दिया अंदर में, अब आप बोलते जा रही हूँ ये अपना यहाँ ला के रख देंगे, क्योंकि अब सब कोई साथ बैठ के यहाँ खाना खाएंगे, मेरे यहाँ हमेशा का ये रात में सब कोई साथ बैठ के खाते, पीयूष लक्की भी उसके पापा भी आ गए हैं तो वो अपना मुँह हाथ धो रहे हैं अपना कपड़ा चेंज कर रहे हैं, मेरा खाना बन चुका है, मैं अभी किचन साफ़ कर रही हूँ, ये दोनों अपना ये काम कर लेंगे, खाना पूरा बाहर निकाल के रख देंगे, इसी सब है, सबका मस्ती मजाक चालू रहता है, मतलब पीयूष के पापा भी यहीं हैं, पीयूष लक्की भी है, मतलब सबका मस्ती मजाक, सबसे ज़्यादा मेरा मजाक उड़ाते हैं, मतलब कि मेरा यह है कि काम करते समय सबको गुस्सा आता है, पसीना में रहते हैं तो मेरा ही सबसे ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, इसके पापा साथ हो जाते हैं दोनों मिलके, यहाँ प्लेट लग चुका है, आप सब यही खाना खा लीजिए, नॉर्मल सा है, सूखा सब्जी है, भिंडी का सुबह वाला सब्जी है, अचार है और हम आम का जूस है, इसी के साथ वीडियो का भी एंड करूँगी, अगर आपको वीडियो जरा सा पसंद आती वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।